नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे नाम जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गौराचंदे आरती खोशो हिम जय जय गौराचंदे आरती खो हिम जय जय गौराचंदे आरती खो शोभा जानवी तटवने जगमान लो भानवी तटवने जानवी तटवने जगमन लो भा दक्षिणे नेताई चान बमे गदाधर किव दक्षिणे ने हिम दक्षिणे चान बमे गदाधर हिम निकटे अद्वैत श्री निवास छत्रधारा निकटे अद्वैत निकटे अद्वैत श्री निवास छत्रधारा बसे आछे गोरा चान
रत्न सिंहासन की बाबसे की बाबसे आछे गोया रत्न सिंहासन आयोति करेना ब्रह्मा आदिदेवगाने आयोति करेना ब्रह्मा आयोति करेना ब्रह्मा आदिदेवगाने आरती खिव नरियादि करे कमर डोला खिव नर हरियादि करे चमर डोला कि बनारा मुकुंद बासु घोषयादि गाया संजाया मुकुंद संजाया मुकुंद बासु घोषयादि गाया संजया मुकुंद किव शंख बाजे घंटा बाजे बाजे करता किव शंख किव शंख बाजे घंटा बाजे बाजे करता मधुरा मृदंग बाजे परम रसाल मधुरा मृदंग हो मधुरा मृदंग बाजे परम रसाल मधुरा मृदंग मधुरा मृदंग बाजे परम रसा मधुरा मृदंग ओ शंख बाजे घंटा बाजे मधुर 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 बाजे शंख बाजे घंटा बाजे मधुर 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 बाजे हो मधुर 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 बाजे
मधुर मधुर मृदंग बजे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ताई गोरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ताई गोरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ताई गोरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौरनिताई 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 जय गौरनिताई जय गौरनिताई 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 जय गौरनिताई कि बाबा हो कटे चंद्र जेने बदन उज्वाला कि बाबा हो कटे बाहो कटे चंद्र जेने बदन उज्वाला कि बाहो देशे बन माला करे झलमा गाला देशे बन हो गाला देशे बन माला करे झलमाला गाला देश शिवा शुक नारदा प्रेम गदा गंगा किबा शिवा शिवा शुक नारदा प्रेम गदा गंगा किबा शिवा भगति विनोद देखे गोयर संपद भगति विनोद देखे हो भगति विनोद देखे गोयर संपद भगति किबा जय जय गौरा चांदे आरती को शोभा किबा जय
जानवीतटवने जगमनलोभा जानवे हो जानवीतटवने जगमनलोभा गौरांगरा रोतिक शोभा जग जन मान लोभा हो गौरांगरा रोतिक शोभा जग जन मान लोभा हो जग जन मान लोभा जग जन मान लोभा हो जग जन मान लोभा जग जन मान लोभा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हो नीताय गोरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नीताय गोर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नीताय गोर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नीताय गोर हरि बोल 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 श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद श्री जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare, Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नीताय गौर हरिवो 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 हरिवो। जय राधा पार्थ सारथी राधा पार्थ सारथी राधे। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान। नीताय गौर हरिवो 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 हरिवो। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। सभी लोग झुक के प्रणाम करेंगे। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्र सच्ची श्रीमदेशी भक्ति वेदान जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्र सच्चिमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की। वृंदावन के छठ गोस्वामियों की। प्रेम सको श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदी गौर भक्त वृंद की। शिष्य गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन धाम की। मथुरा वृंदावन धाम की। नवदीप मायापुर धाम की। श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की। श्री द्वारिकापुरी धाम की। गंगा माई यमुना माई की। वृंद देवी तुलसी महारानी की। श्री श्री गौर निताय की। श्री श्री राधा पार्थ सारथी की। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की।
जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांग। सभी जोर से बोलिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद दलाद दायेने, हिरण्यकश्यपुर्वक्षः, शिलटंकनखालाय, इतो नरसिंह परतो नरसिंह, यत यत यामि ततो नरसिंह, गहिर नरसिंह हृदय नरसिंह, गहिर नरसिंह हृदय नरसिंह, गहिर नरसिंह हृदय नरसिंह, नरसिंह मदिं शरणं प्रपदे, नरसिंह मदिं शरणं प्रपदे, तव कर कमल वरे नाका अद्भुत शृंगार दालिता हिरण्यकश्यपु तनु भृंगा, केशव दिता नर हरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। नरसिंह देव जय नरसिंह देव, प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज, प्रभुपाद प्रभुपाद जय
बोलिए हरे Hare Krishna
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा अब बोलिए हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा बोलो 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Hare Rama
राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
जया कुंडली जया यमुना तीर बनचारी जया कुंज बिहा जी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय राधव जय कुंज नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय प्रभु पद प्रभु पद प्रभु पद जय प्रभु पद सब लोग प्रणाम करें। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सहस्री श्री मधेश डिवाइन ग्रेस अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियरम दी होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। रामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाख गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताय भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे All glories to Simran devotees, all glories to Simran devotees, all glories to Simran devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. Hare Krishna. Sab log mere piche bole. Om Namo Bhagavate वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता था रूप अध्याय चार अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान श्लोक संख्या 15 पेज नंबर 162। जो हिंदी जानते हैं किताब और है हरि बोल और किताब रखी है। जो हिंदी जानते हैं किताब ले लीजिए। एक किताब में दो दो तीन लोग इकट्ठे हो सकते हैं। पीछे दे दो एक किताब इनको दे दो माता जी को। आप इनके साथ आ जाओ हरि बोल। आप इनके साथ आ जाओ। एक किताब इनको दे दो ले जाओ। पेज नंबर निकाल लिया 162 सबने। पेज नंबर 162 निकाल लिया।
मेरे पीछे बोले एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभि कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतं एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभि कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतं एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभि कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतं बोलिए शब्दार्थ बोलिए एवं इस प्रकार ज्ञात्वा भली भांति जानकर कृतम किया गया कर्म कर्म पूर्व पूर्ववर्ती अपि निस्संदेह मुमुक्षुभि मोक्ष प्राप्त व्यक्तियों द्वारा कुरु करो कर्म स्वधर्म नियत कार्य एवं निश्चय ही तस्मात् अतएव त्वं तुम पूर्व पूर्ववर्तियों द्वारा पूर्वतरम प्राचीन काल में कृतम संपन्न किया गया बात नहीं ये बातें कौन कर रहा है आपस में कौन बातें कर रहा है ये सारा करिए चुप रहने का कोई आपस में बातें नहीं करेगा बिल्कुल शांत रहेंगे सब लोग अनुवाद मेरी पीछे बोलिए प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो तो यहां धागा लगाकर सब लोग प्रार्थना निकालिए भूमिका में पहला पेज निकालिए मिल गया इनको नहीं मिल रहा सब लोग मेरे साथ बोले ओम अज्ञान तिमिरांधस ज्ञानांजन सलाकयं चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललितां श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत
राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पितरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। श्लोक को फिर से समझेंगे। श्लोक निकालिए। भगवान कह रहे हैं एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षु भी। एवं ज्ञात्वा इस प्रकार से जान करके। अब किस प्रकार से जान करके? तो पिछले श्लोक में भगवान ने बतलाया है? भगवान को जानना है तो भगवान ने अपने बारे में कुछ बातें बतलाई हैं। तो भगवान यहां पर कह रहे हैं कि इस प्रकार जान करके, भगवान को इस प्रकार जान करके कि कृष्ण कौन है, कृष्ण कैसे हैं, उनका कैसा स्वभाव है, उनकी कैसी शक्तियां हैं। तो कृष्ण के बारे में जान करके एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म है, तो इस प्रकार से जान करके कृतम कर्म है यानी कर्म किए किन्होंने, पूर्व रपि मुमुक्षु भी, पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने कर्म किए। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने कर्म किए। मुमुक्षु का मतलब जो मुक्ति पाना चाहते हैं, जिस भौतिक संसार से मुक्त होना चाहते हैं, उन्होंने कर्म किए, है ना। अर्जुन का विचार है कि हम कर्मों के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं तो हम क्यों कर्म करें, कर्म तो हमको बांधते हैं, कर्म हमको बांधते हैं तो हम क्यों कर्म करें। भगवान कह रहे हैं कि तुम कर्म से अगर मुक्त होना चाहते हो तो जैसे पहले जो मुक्षु यानी कर्म से मुक्त जो होना चाहते थे उन्होंने कर्म किया। कैसे कर्म किया? मुझको जान करके कर्म किया, मुझको जान करके कि मैं कैसा हूं, है ना। तो भगवान कहते कुरु कर्म है तस्मात तुम, इसलिए तुम भी कर्म करो। कैसा कर्म करो? पूर्व पूर्वतरम कृतम, पूर्व काल में पूर्व काल के लोगों के द्वारा जैसे कर्म हुए तो उसी प्रकार से कर्म करो। मतलब कुछ नया कर्म नहीं करना है, वही कर्म करना है जो पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने कर्म किया, मुझको जान करके कर्म किया। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं, कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। बहुत अच्छा प्रभुपाद बताते हैं। क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी? अगर मन की दृष्टि देखा जाए तो दो प्रकार के मनुष्य हैं। मन, आपका जो मन है कैसा है, तो इस दृष्टि से दो प्रकार के लोग हैं। एक प्रकार के लोग हैं जिनके मन में दूषित विचार भरे हैं और दूसरे प्रकार के लोग हैं जिनमें दूषित विचार नहीं है, है ना। आगे कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। दोनों के लिए कृष्ण भावनामृत दोनों के लिए लाभदायक है। कौन से दोनों? एक तो प्रकार के लोग जो हैं जिनके मन में क्या है, बहुत दोष है, दूषित विचार भरे हैं, गंदे विचार भरे हैं, और दूसरे प्रकार के लोग हैं जिनके अंदर गंदे विचार नहीं भरे हैं, है ना। लेकिन कृष्ण भावनामृत दोनों के लिए समान रूप से लाभप्रद है, दोनों के लिए।
क्योंकि कृष्ण भावनामृत क्या है, कृष्ण चेतना, आपके मन में कृष्ण के विचार भरना। तो ये जो है अच्छे विचार और बुरे विचार दोनों से भी जो है ये उत्तम है कृष्ण भावनामृत। किसी के अंदर जो है गंदे विचार नहीं है, बुरे विचार नहीं है, लेकिन तो भी कृष्ण के विचार नहीं है। अगर कृष्ण के विचार नहीं है तो वो भी गंदा ही है। हालांकि वैसे तो भाई वो उतना गंदा नहीं है, लेकिन तो भी वो गंदा ही है माना जाएगा। जब तक कृष्ण का विचार नहीं होता है आपके मन में, तब तक आपका मन क्या है, गंदा है ना। तो दोनों प्रकार से जो है, दोनों प्रकार, अच्छा हो या बुरा हो, सब अगर देखा जाए कृष्ण की तुलना में, कृष्ण की दृष्टि से, तो सब बेकार है ना। आगे, जिनके मनों में दूषित विचार भरे हैं उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें। क्या है, दूषित विचार भरे हैं तो क्या करना है, नियमों का पालन करना है, नियमों का पालन करना है ना। क्या नियम क्या है, जैसे सवेरे मंगल आरती में उठना है, क्लास में बैठना है, जाप करना है, तो ये सब जो नियम है, तो इनमें आपके शरीर को तकलीफ होती है, मन को तकलीफ होती है, लेकिन आप नियम का पालन करते हैं, तो ये जो है आगे रूप लिखते हैं। और जिनके मन पहले से ही ऐसी अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं वे उसी कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होते रहे, जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सकें और लाभ उठा सकें। ठीक है, तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि जिनके मन में दूसरे विचार नहीं भरे हैं, है ना, तो उनको भी चाहिए, क्या करना चाहिए उनको भी, उनको भी कृष्ण के विचारों का अभ्यास करना चाहिए, उनको भी कृष्ण के विचारों का अभ्यास करना चाहिए, ताकि वे और आगे बढ़े। तो इतना पर्याप्त नहीं है कि आपके अंदर दूसरे विचार नहीं आ रहे हैं। कई लोग कहते हैं भाई हमारे अंदर कोई दूषित विचार नहीं है, है ना, लेकिन कृष्ण के विचार नहीं है तो क्या है, बेकार है। आपके मन में कृष्ण का विचार नहीं है लेकिन कोई दूषित विचार नहीं है, हम किसी का बुरा नहीं सोचते, है ना, फिर भी बेकार है, फिर भी बेकार है। जैसे कि पशु है, गधे बैल, गधे और बैल कैसे होते हैं, अच्छे विचार हैं उनके, लेकिन है क्या, गधे और बैल ही तो हैं, ये भी निंदा की बात है। मनुष्य भी जो है गधे बैल की तरह अगर जो है हैं, कोई गंदे विचार नहीं है, लेकिन फिर भी है क्या, गधे और बैल की तरह, गधे बैल भी तो होते हैं ऐसे, हैं, गधे बैलों के अंदर कहाँ गंदे विचार होते हैं, है ना, लेकिन क्या लाभ है मनुष्य के जीवन का, क्या लाभ हुआ, गधे बैल की तरह जीवन बिता रहे हैं, गंदे विचार नहीं है, लेकिन क्या है, खाना सोना भोग करना सुरक्षा करना, यही जीवन का लक्ष्य है गधे बैलों की तरह, है ना, तो क्या अच्छा है, बेकार है, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं आगे, मूर्ख व्यक्ति या कृष्ण भावनामृत में नव दीक्षित प्रायः कृष्ण भावनामृत का पूरा ज्ञान प्राप्त किए बिना कार्य से विरत होना चाहते हैं। प्रभुपाद क्या कर रहे हैं, उनको पूरा ज्ञान तो प्राप्त होना है कृष्ण भावनामृत का, और वो कर्म करना बंद करना चाहते हैं, वो ठीक नहीं है। यहां पर कर्म करने का मतलब नियम का पालन करना, नियम का पालन नहीं करना चाहते हैं, कि हम नियम का पालन नहीं करेंगे, या कोई तो इस बात को लेकर के नियम का पालन नहीं करता कि भाई हम कृष्ण का विचार करेंगे, हम नियम का पालन नहीं करेंगे, हम कृष्ण के विचार का अभ्यास करेंगे, वैसे ही बिना नियम के हम कृष्ण के विचारों का अभ्यास करेंगे, वो भी ठीक नहीं, वो भी ठीक नहीं है। जैसे कि सहजिया लोग होते हैं, तो सहजिया लोग जो है कैसे होते हैं कि वे जो है नियमों का पालन नहीं करते हैं। जैसे हम नियमों पर जोर देते हैं कि शराब नहीं, मांस नहीं, व्यभिचार नहीं, जुआ नहीं, लेकिन उन वो लोग जो है नियमों पर जोर नहीं देते, इसलिए व्यभिचार है और उनके उनके जीवन में जो है ये
सामान्य बात है व्यभिचार करना, और वो कृष्ण की भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं, कृष्ण की भक्ति के नाम पर व्यभिचार करते हैं सहजिया, तो ये बड़ी निंदा की बात है। कृष्ण भक्ति में जो है वे कलंक लगा रहे हैं, तो इस तरह से कृष्ण के विचारों का अभ्यास आप नहीं कर सकते, गलत है कि कृष्ण के विचारों का अभ्यास कर रहे हैं और चार नियमों को तोड़ रहे हैं। चार नियमों का कठोरता से पालन करना है ना, यहां प्रभुपाद लिखते हैं, किंतु भगवान ने युद्ध क्षेत्र के कार्य से विमुख होने की अर्जुन की इच्छा का समर्थन नहीं किया। हाँ, जैसे अर्जुन के लिए भगवान युद्ध करने के लिए युद्ध करो, उसी प्रकार से अभी आप लोगों की स्थिति क्या है, नियमों का पालन करो। अर्जुन के लिए जैसे है युद्ध करना जरूरी है, उसी प्रकार से हमारे लिए और आपके लिए क्या जरूरी है, नियमों का पालन करना जरूरी है। 16 माला का जप करना और व्यभिचार नहीं, मांसाहार नहीं, जुआ नहीं, नशा नहीं। तो ये उसी प्रकार अर्जुन जैसे युद्ध कर रहे हैं। आगे आवश्यकता इस बात की है कि यह जाना जाए कि किस तरह कर्म किया जाए। कृष्ण भाव नमृत के कार्यों से विमुख होकर एकांत में बैठकर कृष्ण भाव नमृत का प्रदर्शन करना कृष्ण के लिए कार्य में रत होने की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। प्रदर्शन करना कृष्ण भाव नमृत का एक है ना, उसका जो है ज्यादा लाभ नहीं है। हरदास ठाकुर की नकल नहीं कर सकते आप, हम और आप हरदास ठाकुर की नकल नहीं कर सकते। हरदास ठाकुर दिन में 300,000 नाम जप करते थे, तो हम भी सोचे हैं कि भाई हरिदास ठाकुर की तरह हम भी दिन में 300,000 नाम जप करेंगे और कुछ सेवा नहीं करेंगे, भक्तों का संग नहीं करेंगे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, दिखावा हो जाएगा, है ना। आगे यहाँ पर अर्जुन को सलाह दी जा रही है कि वे भगवान के अन्य पूर्व शिष्यों यथा सूर्यदेव विवस्वान के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण भावनामृत में कार्य करें, अतः वे उन्हें सूर्यदेव के कार्यों को संपन्न करने के लिए आदेश देते हैं जिसे सूर्यदेव ने उनसे लाखों वर्ष पूर्व सीखा था। यहाँ पर भगवान कृष्ण के ऐसे सारे शिष्यों का उल्लेख पूर्ववर्ती मुक्त पुरुषों के रूप में हुआ है जो कृष्ण द्वारा नियत कर्मों को संपन्न करने में लगे हुए थे। यहाँ प्रभुपाद जी का तात्पर्य
अब अर्जुन के मन में ये शंका उठी कि हे श्री कृष्ण, क्या आपकी आज्ञा से पूर्व काल में भी लोगों ने ऐसा कर्म किया? आप मुझे तो आज्ञा दे रहे हैं क्या युद्ध करने की, तो ऐसा घोर कर्म करने की आप मुझे तो आज्ञा दे रहे हैं, तो हे श्री कृष्ण, क्या आपकी आज्ञा से पूर्व काल में भी लोगों ने ऐसा कर्म किया जो कर्म से नहीं बंधना चाहते थे? तो अर्जुन की शंका के उत्तर में श्री कृष्ण कह रहे हैं, कृतम कर्म, अर्थात जो लोग कर्म से नहीं बंधना चाहते थे उन लोगों ने मेरी आज्ञा से ऐसा कर्म किया है। यहां पर भगवान कर्म शब्द का एक वचन में प्रयोग करके विशेष रूप से युद्ध जैसे एक कर्म की ओर संकेत कर रहे हैं। भगवान ने कर्माणि नहीं कहा, कर्म किए, कर्म किया एक वचन है ना, तो यहां पर संकेत भगवान कर रहे हैं कर्म किया एक प्रकार का ही कर्म, वो कौन सा है? युद्ध कर्म है ना। अब पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने, इस श्लोक के अगले शब्द हैं, पूर्व अपि मुमुक्षु भी, अर्थात पूर्व काल के मुमुक्षुओं के द्वारा इस प्रकार का कर्म किया गया है। यहाँ पर भगवान मुमुक्षु भी शब्द का प्रयोग बहुवचन में कर रहे हैं, मुमुक्षु भी यानी मुमुक्षुओं ने, ये बहुवचन है। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन से कहना चाहते हैं कि अर्जुन, पूर्व काल में ऐसे अनेक लोग हो चुके हैं जो तुम्हारी तरह मुमुक्षु थे, अर्थात कर्म से नहीं बंधना चाहते थे। ऐसे व्यक्ति अकेले तुम ही नहीं हो, समझे, ऐसे व्यक्ति अकेले तुम ही नहीं हो, और उन सभी मुमुक्षुओं ने मेरी प्रसन्नता के लिए युद्ध जैसा घोर कर्म किया है। अब मुमुक्षु शब्द की व्याख्या सुनिए। मुमुक्ष शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो मुक्ति प्राप्त करने का इच्छुक है। अब यदि प्रश्न उठे कि मुक्ति का अर्थ क्या है, तो हमें समझना चाहिए कि मुक्ति का अर्थ है कर्म बंधन से मुक्ति। अब यदि प्रश्न उठे कि कर्म बंधन क्या है, तो हमें समझना चाहिए कि कर्म बंधन एक ऐसा बंधन है जिसमें बंधकर जीव इस भौतिक जगत में अनेक प्रकार की योनियों में भटकता फिरता है। अनेक प्रकार की योनियों में भटकता फिरता है, वो जिस शरीर को प्राप्त करता है उसी शरीर में अपनी पहचान करता है, उस शरीर में अनेक प्रकार के दुख भोगते हुए भी वो शरीर में अपनी पहचान करने के कारण उस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता है। फिर भी जब शरीर की संधियां शिथिल हो जाती हैं, उस समय वृद्धावस्था से पीड़ित जीव को शरीर त्यागना ही पड़ता है। पांच भौतिक तत्वों से इस शरीर का निर्माण होता है। जिस समय वीर्य और रक्त का नाश होने से प्रायः शरीर खोखला हो जाता है, उस समय शरीर के अंदर प्रचंड वायु का प्रकोप होता है, इससे शरीर का रंग बदल जाता है। उस समय जीव दुख से संतप्त और हत बुद्धि हो जाता है। फिर शरीर में मांस और रक्त क्षीण होने से शरीर दुर्बल हो जाता है तथा उसके बाल पक जाते हैं। मांस और रक्त क्षीण हो जाता है तो बाल पक जाते हैं। वृद्धावस्था के कारण उसका रूप बिगड़ जाता है, शरीर रोगी हो जाता है, अग्नि मंद पड़ जाती है, भोजन और पुरुषार्थ दोनों ही कम हो जाते हैं, वो मरणोन्मुख होकर पड़ा रहता है। मृत्यु का समय निकट आने पर वायु के उत्क्रमण से उसकी पुतलियां चढ़ जाती हैं, श्वास प्रश्वास की नलिकाएं कफ से रुक जाती हैं, खांसने और श्वास लेने में भी जीव को बड़ा कष्ट होता है तथा कफ बढ़ जाने से कंठ में घुरघुराहट होने लगती है। इस प्रकार अत्यंत वेदना से अचेत होकर जीव शरीर को छोड़ता है। फिर यदि जीव ने इंद्रिय तृप्ति की कामनावश अत्यंत अशुभ कर्म किए
तो उन कर्मों के बंधन के कारण जीव को शरीर छोड़ने के समय उसे लेने के लिए अति भयंकर और रोष युक्त नेत्रों वाले यमदूत आते हैं। उन्हें देखकर वो भय के मारे मलमूत्र कर देता है। वे यमदूत उसे यातना देह में डाल देते हैं। फिर जिस प्रकार सिपाही किसी अपराधी को ले जाते हैं, उसी प्रकार उसके गले में रस्सी बांधकर बलपूर्वक यमलोक की लंबी यात्रा में उसे ले जाते हैं। इस प्रकार नरक लोक में वो अपने कर्मों से बंधा हुआ विभिन्न प्रकार की यातनाएं भोगता है। जीव अपने कुटुंब का पालन करने के लिए अथवा अपना ही पेट भरने के लिए अत्यंत कष्ट भोगकर जिन कर्मों को करता है, मरने पर वो जीव अपने कुटुंब तथा अपना शरीर दोनों को ही छोड़कर उन कर्मों से बंधा हुआ अनेक प्रकार की दुख भरी गतियों को प्राप्त करता है। समझे? आपने जो पाप कर्म किए किस लिए? इस शरीर के लिए किए तो शरीर छोड़ना पड़ता, छोड़ करके अपना कर्म भोगना पड़ता है। या अपने कुटुंब के लिए पाप कर्म किए, कुटुंब को का भरण करने के लिए आपने पाप कर्म किए तो वो कुटुंब छोड़ कर गए, वो पाप कर्म ही लेके जाना पड़ता है और पाप कर्म आपको भोगना पड़ता है। इस शरीर के लिए आपने पाप कर्म किए तो भी शरीर को छोड़ करके जाना पड़ता है और पाप कर्म खुद भोगना पड़ता है। शरीर और कुटुंब दोनों को छोड़ना है और इनके लिए पाप कर्म जो किए वो पाप कर्म खुद भोगना। श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंध के 31वें अध्याय में कपिल देव वर्णन करते हैं कि जिस समय जीव अपने कर्मों से बंधा हुआ माता के गर्भ में असीम यातना भोगता है, उस समय उसकी स्थिति मुमुक्षु की होती है, अर्थात वो कर्म बंधन से छूटने के लिए श्री कृष्ण से प्रार्थना करता है। जिस समय गर्भ का 7वां महीना आरंभ होता है, सुनिए ध्यान से, जिस समय गर्भ का 7वां महीना आरंभ होता है उस समय प्रसूति वायु से चलायमान रहने के कारण वो उसी उदर में उत्पन्न हुए विष्ठा के कीड़े के समान एक स्थान पर नहीं रह सकता है। उस समय वो जीव अत्यंत भयभीत होकर दीन वाणी से कृपा याचना करता हुआ हाथ जोड़कर उस प्रभु की स्तुति करता है जिसने उसे माता के गर्भ में डाला है। क्या बोलता है? मैं बड़ा अधम हूं, भगवान ने मुझे जो इस प्रकार की गति दिखाई है वो मेरे योग्य ही है। मैं उन्हीं श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण लेता हूं जो मैं इस माता के उदर में पाप पुण्य रूप कर्मों के बंधन में बंधा हुआ हूं, वही मैं उन श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूं जिनका ज्ञान सदा अखंडित रहता है। उन्हीं श्री कृष्ण की माया से अपना स्वरूप भूलकर जीव तीन गुणों से युक्त कर्मों के बंधन में बंधा हुआ संसार मार्ग में तरह तरह के कष्ट झेलता हुआ भटकता रहता है। अतः उन श्री कृष्ण की कृपा के बिना किस युक्ति से जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान हो सकता है? मुझे जो यह तीनों कालों का ज्ञान हुआ है यह भी उनके सिवा और किसने दिया है? अतः मैं जीवात्मा अपने तीनों प्रकार के तापों को शांत करने के लिए उन्हीं श्री कृष्ण का भजन करता हूं। हे स्वामी, आप बड़े दयालु हैं, आप जैसे उदार प्रभु ने इस 10 मास के जीव को ऐसा उत्कृष्ट ज्ञान दिया है। दीन बंधो, इस अपने किए हुए उपकार से ही आप प्रसन्न हुए कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता आपका, आपने मेरे ऊपर जो उपकार किया है इसी से आप प्रसन्न होइए कि मैं तो इसके बदले में कुछ नहीं कर सकता। दीन बंधु, इस अपने किए हुए उपकार से ही आप प्रसन्न हो क्योंकि आपके समक्ष हाथ जोड़ने के सिवा आपके इस उपकार का बदला तो मैं दे ही क्या सकता हूं। जीव कैसे है? हाथ जोड़े है गर्भ के अंदर और स्तुति करता है कृष्ण की कि हाथ जोड़ने के सिवा और मैं क्या कर सकता हूं, आपने मेरे ऊपर जो उपकार किया है। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि जो व्यक्ति गर्भस्थ जीव की चेतना के समान अपने जीवन काल में भी अपनी चेतना बनाए रखता है वही मुमुक्षु है। आप समझे? मुमुक्षु समझ लो, कौन है मुमुक्षु? गर्भ काल में जैसे जीव की चेतना होती है वैसी चेतना पूरे जीवन बनाए रखो, तब
आप मुमुक्षु कहलाएंगे। समझ गए? गर्भकाल में कितने कष्ट में आपने कृष्ण की याद की थी, उसी प्रकार से अगर आप कृष्ण की याद करें अपने जीवन काल में तब आप मुमुक्षु कहलाएंगे, है ना? लेकिन नहीं, जीवन काल में तो सोचते हैं कि अब कृष्ण को याद करने की क्या जरूरत है, हैं? देखो माया देवी का कितना सुंदर रूप है, माया की याद करो, माया को भोगो, अब तो बहुत सुख है, अब तो अब क्या दुख है, अब कृष्ण की शरण लेने की क्या जरूरत है, ये अज्ञान है ना। इस श्लोक के अगले शब्द हैं, कुरु कर्म एव तस्मात् त्वम्, अर्थात इसलिए तुम भी वही कर्म करो। इस श्लोक के तात्पर्य से प्रभुपाद लिखते हैं, मूर्ख व्यक्ति या कृष्ण भावनामृत में नव दीक्षित प्रायः कृष्ण भावनामृत का पूरा ज्ञान प्राप्त किए बिना कार्य से विरत होना चाहते हैं, किंतु भगवान ने युद्ध क्षेत्र के कार्य से विमुख होने की अर्जुन की इच्छा का समर्थन नहीं किया है। दिनांक 4 अप्रैल 1974 को मुंबई में इस श्लोक पर प्रवचन देते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा था, श्री कृष्ण ने क्या कहा, कर्म का विभाजन व्यक्ति के गुणों के अनुसार होना चाहिए। 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब आप गुण के अनुसार कर्म कीजिए, खाली मत बैठिए। अभी आधुनिक युग में संपूर्ण विश्व में प्रत्येक देश में बेरोजगारी है। बेरोजगारी क्यों है? क्योंकि लोग नहीं जानते हैं कि गुण और कर्म के अनुसार जनसंख्या का विभाजन किस प्रकार किया जाए। किसी व्यक्ति के अंदर शूद्र की योग्यता है तथा उसे क्षत्रिय के कार्य में लगाया जाता है, यही सब गलती हो रही है। क्या गलती हो रही है? किसी व्यक्ति के अंदर शूद्र की योग्यता है तथा उसे क्षत्रिय के कार्य में लगाया जाता है, यह समस्या है। जिन्हें शूद्र का प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है वे क्षत्रिय का कार्य क्यों करना चाहेंगे? वास्तव में हिप्पी आंदोलन इसी कारण से प्रारंभ हुआ। क्या समझे? हिप्पी आंदोलन इसी कारण से प्रारंभ हुआ। लोगों को गुण और कर्मों के अनुसार प्रशिक्षण मिलना चाहिए। प्रथम श्रेणी के लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए एक संस्था होनी चाहिए। कुछ लोग बुद्धिजीवी होते हैं जो प्रथम श्रेणी के हैं, उन्हें ब्राह्मण का प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए, यही विधि है। द्वितीय श्रेणी के लोगों को क्षत्रिय का प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। तृतीय श्रेणी के लोगों को बात नहीं, आपस में कोई बात नहीं करेगा, बिल्कुल शांत। द्वितीय श्रेणी के लोगों को क्षत्रिय का प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। तृतीय श्रेणी के लोगों को वैश्य का प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए तथा चतुर्थ श्रेणी के लोगों को शूद्र का कार्य प्राप्त होना चाहिए। ये बात मैंने पहले ही समझा दी है कि कोई भी व्यक्ति खाली ना रहे, प्रत्येक व्यक्ति को कार्य में लगाया जाए, ये कृष्ण भावनामृत है। प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत के कार्य में लगाया जाए, फिर कोई बेरोजगारी नहीं रहेगी। यदि आप ब्राह्मण का कार्य नहीं कर सकते हैं तो आप क्षत्रिय का कार्य कीजिए, यदि आप ये नहीं कर सकते हैं तो आप वैश्य का कार्य कीजिए, यदि आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप शूद्र का कार्य कीजिए, अन्यों की सेवा अथवा सहायता कीजिए, ब्राह्मणों की क्षत्रियों की सहायता कीजिए, अन्यों की सेवा अथवा सहायता कीजिए। क्या? शूद्र, ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की सहायता कीजिए। इस प्रकार हर व्यक्ति कार्य करेगा। यह सरकार का कर्तव्य है कि कोई भी व्यक्ति खाली ना रहे, अन्यथा शैतान का घर होगा। सरकार है, सरकार का बहुत बड़ा ये कर्तव्य है। क्या? कोई खाली ना रहे, अन्यथा क्या होगा? शैतान का घर, खाली दिमाग शैतान का घर। कई प्रकार के आंदोलन होंगे, हो रहे हैं, कई प्रकार के आंदोलन होंगे, साम्यवादी आंदोलन, ये आंदोलन, वो आंदोलन, क्योंकि हर व्यक्ति बेरोजगार है, बेरोजगारी शैतान का घर है। इसी से अनेक वाद पैदा होते हैं, है ना? आतंकवाद,
आतंकवाद भी इसलिए, बेरोजगारी के कारण। अन्यथा यदि प्रत्येक व्यक्ति कार्य में लगा है तो उसका दिमाग शैतान का घर नहीं होगा, वो कुछ कार्य करेगा। भगवान कह रहे हैं आज के श्लोक में, कुरु कर्मेव तस्मात्त्वम्, तुम इसलिए कर्म करो। तो प्रभुपाद जी कितना बढ़िया समझा रहे हैं, भगवान की एक बात की व्याख्या प्रभुपाद जी कितनी बढ़िया बता रहे हैं है? वो कुछ कार्य करेगा तो ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन है कि हर व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत में लगाया जाए। ये बात मैं अपने शिष्यों से बार बार बोलता हूं कि कोई भी व्यक्ति खाली ना बैठे। आपको कार्य में लगना है या तो ब्राह्मण के रूप में या क्षत्रिय के रूप में या वैश्य के रूप में अथवा शूद्र के रूप में, परंतु कृष्ण भावनामृत में ऐसा कोई अंतर नहीं है। यदि कोई व्यक्ति मंदिर में झाड़ू लगा रहा है तो ये शूद्र का कार्य है, परंतु उसे ब्राह्मण का कार्य करने की भी स्वीकृति मिल सकती है। जो शिव विग्रह की पूजा है, श्री विग्रह की पूजा ब्राह्मण का कार्य है, तो ऐसा थोड़ी है कि भाई नहीं नहीं तुम ब्राह्मण का कर्म नहीं कर सकते, तुम मंदिर में झाड़ू लगाओगे तुम शूद्र हो, ऐसा नहीं है, है? क्योंकि जो भक्त होता है वो ना तो ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य है और ना ही शूद्र है, क्योंकि वो इन सभी से ऊपर है, वो दिव्य स्थिति में होता है। परंतु भौतिक जगत में गुण और कर्मों का विभाजन है। यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण का कर्म करने के योग्य नहीं है तो वो शूद्र का कार्य कर सकता है अथवा वैश्य का कार्य कर सकता है। श्री कृष्ण के लिए कुछ न कुछ कार्य होना चाहिए, यही कृष्ण भावनामृत आंदोलन है। कार्य अवश्य होना चाहिए, खाली नहीं बैठना चाहिए, है ना। परंतु अर्जुन के लिए कर्म का अर्थ है युद्ध कर्म। यहां पर भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन तुम भी कर्म करो। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि ना तो मुझे कर्म बांधते ही हैं और ना ही मेरी कर्म फल भोगने की कामना है। इस प्रकार जो व्यक्ति मुझे जानता है वो भी कर्म से नहीं बनता है। भगवान की इस बात से अर्जुन ने विचार किया था कि शायद मुझे अब युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल श्री कृष्ण को इस प्रकार जानना मात्र है। परंतु यहां पर भगवान अर्जुन को आदेश दे रहे हैं कि हे अर्जुन ये तुम मुझे जानते हो तो मैं स्वयं कर्म में लगा हुआ हूं तथा कर्म फल भोगने में मेरी कोई कामना नहीं है, तो तुम भी मेरी प्रसन्नता के लिए युद्ध कर्म करो। भगवान ये कह रहे हैं तुम्हें भी कर्म फल भोगने की कामना नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी स्थिति तो मुमुक्षु की है, अर्थात तुम्हारी कामना तो कर्म बंधन से छूटने की होनी चाहिए। तो मेरी प्रसन्नता के लिए तथा कर्म बंधन से छूटने के लिए कामना के साथ इस युद्ध कर्म को करो। मेरी प्रसन्नता के लिए और कर्म बंधन से छूटने की कामना के साथ तुम इस युद्ध कर्म को करो। अब इस श्लोक के अंतिम शब्द है पूर्व पूर्वतरम कृतम, अर्थात पूर्व काल के व्यक्तियों ने जो कर्म किया वो भी उनसे भी पूर्व काल के व्यक्तियों ने किया था। पूर्व पूर्वतरम, पूर्व काल के जो व्यक्ति थे उनसे भी पहले हुए। तो यहां पर भगवान कहना चाहते हैं कि पूर्व काल के व्यक्तियों ने जो कर्म किया था वो भी उन्होंने पूर्वतर काल के व्यक्तियों के कर्म के अनुसार किया था। पूर्व पूर्वतरम, तो यहां पर भगवान अर्जुन से कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन पूर्व काल से भी अधिक पूर्व काल में अर्थात पूर्वतर काल में जो व्यक्ति हुए उन्होंने जो कर्म किया वही पूर्व काल के व्यक्तियों ने किया और अब तुम भी वही कर्म करो। तो यहां पर भगवान परंपरा की बात कह रहे हैं। यदि पूर्व काल का क्रम देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि सबसे अधिक पूर्व काल अर्थात पूर्वतम काल की व्यक्ति श्री कृष्ण है। सबसे अधिक पूर्व काल यानी पूर्वतम काल की व्यक्ति कौन है, श्री कृष्ण है, जिन्होंने सर्वप्रथम गीता का उपदेश विवस्वान को दिया, फिर विवस्वान, फिर मनु, फिर इक्ष्वाकु आदि व्यक्ति पूर्वतर काल के हैं। पूर्वतम के बाद पूर्वतर, पूर्वतर काल के व्यक्ति हैं जिन्होंने श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए युद्ध में भाग लिया, ये सब युद्ध करते रहे हैं। सूर्यदेव, मनु, इक्ष्वाकु इन सब ने युद्ध कर्म किए। पूर्वतर काल का अर्थ है वो समय जो पूर्वतम काल के बाद आया परंतु पूर्व काल के भी पूर्व था। फिर पूर्व काल के व्यक्ति हैं जनक आदि राजागण। पूर्व काल का अर्थ है वो समय जो पूर्वतर काल के बाद में आया परंतु आधुनिक काल के पूर्व था।
तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम ये मत समझो कि युद्ध कर्म कोई नया कर्म है जिसे तुम कर्म बंधन से छूटने के लिए कर रहे हो। ये युद्ध कर्म पूर्व काल में जनक आदि राजाओं ने भी कर्म बंधन से छूटने के लिए किया, फिर पूर्व काल से भी पूर्व अर्थात पूर्वतर काल में विवस्वान, मनु तथा इक्ष्वाकु आदि राजाओं ने भी ये युद्ध कर्म कर्म बंधन से छूटने के लिए किया। इस श्लोक की शिक्षा से हमें पता चलता है कि सृष्टि के प्रारंभ में श्री कृष्ण ने मनुष्य जीवन की पूर्ण शिक्षा दी थी कि मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए तथा क्या नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें श्री कृष्ण की शिष्य परंपरा में चलते हुए उसी प्रकार कर्म करना चाहिए, परंतु कलयुग के प्रभाव से लोगों में इतना अधिक अज्ञान फैल रहा है कि अभी लोग उल्टा समझ रहे हैं। वे सोचते हैं कि पूर्व काल के लोगों के पास मनुष्य जीवन का कोई ज्ञान नहीं था, अभी आधुनिक काल में जो ज्ञान है वो ज्ञान पूर्व काल के मनुष्यों के पास नहीं था। पूर्व काल के मनुष्य बंदर थे, उनके पास वस्त्र पहनने का भी ज्ञान नहीं था, फिर अन्य प्रकार की शिक्षाओं की बात तो बहुत दूर है। ऐसे मूर्खों को पता नहीं है कि पूर्व काल के व्यक्ति ब्रह्मा जी तथा विवस्वान नाम के सूर्य अब भी मौजूद हैं। क्या समझ रहे हो, अभी भी हैं वो, जिनसे मनुष्यों को सभी प्रकार की शिक्षाएं प्राप्त हुई हैं। अभी भी उच्च लोकों में वे पूर्व काल के व्यक्ति मौजूद हैं जिनके जीवन का स्तर आधुनिक काल के मनुष्यों के जीवन से बहुत अधिक उन्नत है। इस श्लोक के तात्पर्य से श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यहां पर अर्जुन को सलाह दी जा रही है कि वे भगवान के अन्य पूर्व शिष्यों यथा सूर्य देव विवस्वान के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण भावनामृत में कार्य करें। अतः वे उन्हें सूर्यदेव के कार्य को संपन्न करने के लिए आदेश देते हैं जिससे सूर्यदेव ने उनसे लाखों वर्ष पूर्व सीखा था। सूर्यदेव ने सीखा था लाखों वर्ष पूर्व उनसे, यानी किन से, कृष्ण से। कोई नई खोज करने की आवश्यकता नहीं है। गुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतम्। पूर्व काल, पूर्वतर काल और पूर्वतम काल में जो कर्म किए वही कर्म तुमको करना है, कोई नई खोज करने की आवश्यकता नहीं है। इस श्लोक की व्याख्या करते हुए पूर्वोक्त प्रवचन में श्रील प्रभुपाद ने कहा था, इस अध्याय के प्रारंभ में श्री कृष्ण ने कहा था, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षियो विदुहु, गीता 4:2। हमें कोई नई खोज करने की आवश्यकता नहीं है, आधुनिक खोज का कोई प्रश्न ही नहीं है, हम प्राचीन ज्ञान का ही अनुसरण कर रहे हैं। असली समस्या है जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा बीमारी, वही समस्या अभी चल रही है। क्या नया है, कोई नई चीज है? तो वो व्यर्थ की बात है कि आधुनिक समय, आधुनिक तरीके, आधुनिक वस्तुएं उन्नत हैं। कुछ भी आधुनिक नहीं है, सब कुछ तो पुराना ही चल रहा है। तो हमें पूर्ववर्ती आचार्यों की पूर्ववर्ती विधि का ही पालन करना है। श्री कृष्ण आधुनिक शिक्षा नहीं दे रहे हैं, पुरानी शिक्षा दे रहे हैं कृष्ण। 5000 वर्षों पूर्व उन्होंने गीता की शिक्षा दी, फिर भी वे कहते हैं पूर्व पूर्वतरम, यही बुद्धिमानी है। हमें असली सत्य को स्वीकार करना है और उसका पालन करना है, ये वैदिक विधि है। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यही गूढ़ तत्व कथा पूर्व ये बोझिल, अनायासे तारा सब संसारे तरिल, तुम्हें पूर्व महाजने यथा अनुसर, यथावत सिद्धि लाभ है वे विस्तर। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद के शब्दों में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, तुम्हें पूर्व महाजने यथा अनुसर यथावत सिद्धि लाभ है वे विस्तर, अर्थात हे अर्जुन, तुम पूर्व काल के महाजनों के अनुसार ही आचरण करो, उनके अनुसार आचरण करने से तुम्हें भी वही गति प्राप्त होगी जो उन्हें प्राप्त हुई थी। इसका अर्थ है कि यदि अर्जुन श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार युद्ध कर्म में अपना मन लगाएंगे तो उन्हें भी श्री कृष्ण के धाम की प्राप्ति होगी, है ना। तो यहाँ पर ये मेरा लेख समाप्त हुआ। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, थोड़ा समय रह गया हमारे पास में, या मैं प्रश्न करूं, ठीक है, तो मैं प्रश्न करूं, ठीक है। तो भगवान ने जो ये बात कही कि
इस प्रकार जान करके मुमुक्षों ने कर्म किया। भगवान ने बात कही, इस प्रकार जान करके मुमुक्षों ने कर्म किया। तो भगवान ने जो ये बात कही कि मुमुक्षों ने कर्म किया है ना, तो ये बात आज के श्लोक में भगवान क्यों कह रहे हैं, अर्जुन के दिमाग में क्या विचार उठा था जैसे भगवान ने अर्जुन के को जो है विशेष रूप से ये बात कहा। पिछले श्लोक में भगवान ने क्या कहा था, भगवान ने कहा था कि जो मुझे इस प्रकार जान लेता है वो कर्म से नहीं बनता है। तो अर्जुन ने सोचा बड़ा अच्छा, हमको कारण मिल गया युद्ध ना करने का, क्योंकि भगवान ने कहा इस प्रकार जो मुझे जानता है वो कर्म से नहीं बनता है ना, तो बड़ा अच्छा है, हम किसी को इस प्रकार जान लेंगे, अब हमें युद्ध करने की क्या आवश्यकता है। तो भगवान ने फिर उनको जो है इधर से खींचा कि ऐसे नहीं है, अगर मुझे तुम जानते हो तो जो है मेरी इच्छा के अनुसार फिर कर्म भी करना पड़ेगा। अगर तुम जानते हो मुझे कि मैं क्या चाहता हूं तुमसे, तो तुम्हें फिर वैसे ही करना पड़ेगा ना। अगर तुम मुझे समझते हो तो फिर तुम निर्णय नहीं कर सकते कि तुम्हें क्या करना क्या नहीं करना, फिर मेरे निर्णय के अनुसार कर्म करना पड़ेगा ना। नहीं तो मुझे समझने का मतलब क्या हुआ, मुझे समझ करके कर्म करो इसका मतलब क्या है, कि अपनी समझ से कर्म ना करो मेरी समझ से कर्म करो, तभी तो समझेंगे कि हाँ आप मुझे समझे है ना। तो कृष्ण जो है अर्जुन को खींच रहे हैं, अर्जुन जो है बार बार बैठ जाते हैं कि अब युद्ध नहीं करना, अब तो कृष्ण ये कहा अब तो युद्ध नहीं करना पड़ेगा मुझे, और कृष्ण फिर खींचते हैं युद्ध कैसे नहीं करना पड़ेगा। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्री राधा पार्श्वार्थी ललिता विशाखा की जय। श्री गौरताय भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो। मैं पढ़ लेता कुछ बोलता फिर बाकी।